ओके, जॉइन योर हैंड्स। ओ माइक ऑफ। साइडमैन माइक ऑफ। गति माइक ऑफ। प्रद्योत माइक ऑफ। यस मैम। गति माइक ऑफ। सर प्रद्योत। हाँ चलो, टुडेज टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और एक्शन वर्ड। आपको इसमें मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप खोल के देख सकते हो, है ना, बाद में भी देख सकते हो। अभी मैं ऐसे समझा देती हूँ। A word that describes or explains about people, place, thing or action, noun or verb. That means naming words or action words. For example, rose is a very beautiful flower. Rose kaisa flower hai? Rose kaisa flower hai? Rose is a very beautiful flower. अब इसमें रोज कैसा है बताओ आदित्य, रोज कैसा फ्लावर है? मैम रेड। नो रेड। मैंने सेंटेंस में क्या लिखा है? रोज इज अ ब्यूटीफुल। यस कृतिका झा समझ गई, रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। सुनो पहले, जो भी चीज को डिस्क्राइब करता है, अच्छा बुरा सुंदर खराब, ऐसे समझ में आया सबको? रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब हम बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय। सेकंड सेंटेंस ऐसे बोल रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब राम कैसा बच्चा है? सूर्य प्रताप। गुड बॉय। सुनो, मैंने राम अच्छा बच्चा है। हाँ, तो जो अच्छा है कैसा है? अच्छा है। राम कैसा बच्चा है? अच्छा। अगर हाँ, अब अगर मैं बोलूंगी हरी इज ए नॉटी बॉय, हरी इज ए नॉटी बॉय, अब इसमें हरी कैसा बच्चा है? नॉटी, नॉटी मतलब थोड़ा सा बदमाशी करने वाला, शरारत करने वाला। हमने नोबडी पढ़ा था, तो ही डस मिस्चीफ इन हिज हाउस, है ना, तो मिस्चीफ मतलब शरारत। नॉटी भी वही उसी से मतलब वैसा ही रिलेशन है उस वर्ड का। नॉटी मीन्स ऐसे शरारत करने वाला बच्चा, ठीक है। So, राम इज अ गुड बॉय, तो राम अच्छा बच्चा है। अब मैं बोलूंगी आई हैव टू पेंसिल, आई हैव टू पेंसिल, अच्छा उसमें एक लाइन लिखना छोड़ दी। I have two red pencil लिखो, है उसमें red कर देना। I have two red pencil, ठीक है। तो मेरे पास कैसा पेंसिल है? दो रेड कलर के पेंसिल, उसमें अच्छा बेटा आप लोगों को मैंने जो भेजा है ना उसमें देखना, आई हैव टू डैश पेंसिल, तो डैश करना मैं छोड़ दी हूँ, तो आप भर लेना रेड पेंसिल, नहीं तो ग्रीन पेंसिल आपने मत करना, ठीक है, वो डैश डालना छोड़,
मिस हो गया, आई हैव टू रेड पेंसिल्स, नहीं तो आप आई हैव टू ग्रीन पेंसिल, कुछ भी आप लिख सकते हो जो अपना कलर पसंद है. आई कैन राइट, मैंने कुछ देखने को बोला था. फोर्थ सेंटेंस है, आई कैन रन फास्ट, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, ठीक है, आई कैन रन फास्ट. कैसे भाग सकते हो आप? क्या है मैम फास्ट भाग सकते हैं? फास्ट का मीनिंग है मैम क्या बोला था आपने फर्स्ट में? आई कैन रन फास्ट मैम फर्स्ट में. ये आपके व्हाट्सएप में बेटा, आप अभी लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है? बस रन मतलब दौड़ना, एक्शन वर्ड है. कैसे भाग सकते हो पूर्वांश, आप कैसे भाग सकते हो? धीरे भागोगे कि तेज से भागोगे, बताओ? जो फास्ट वर्ड है रन को एक्सप्लेन कर रहा है. कैसे भाग सकते हो आप? तेजी से भाग सकते हो, ठीक है? ए टॉर्टोइस, सुन लो, मैं एग्जांपल बता रही हूँ. ए टॉर्टोइस क्रॉस स्लो, आपने क्लास वन में पढ़ा था, है ना? टॉर्टोइस टर्टल क्रॉस सो स्लो, तो सो स्लो का मतलब क्या है? धीरे धीरे रिंगता है. कैसा रिंगता है? धीरे धीरे. लेकिन वही जगह में सांप कैसा क्रॉल करता है? इट क्रॉस सो फास्ट, है ना? आया समझ में? अच्छा, अभी तुम्हारे क्लास में ही मैं किसको लू? अच्छा, आपके बुक ये जो है ना कृतिका, माइक ऑफ करो. जो अभी माइक ऑन करेगा उसको भी प्रद्योत ऑफ करो, प्रद्योत ऑफ करो, पहले सुनो प्रद्योत. हाँ मैम, आपने फर्स्ट में क्या बोला था? क्या चीज? मैंने बोला था रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, राम इज ए गुड बॉय, आई हैव टू रेड पेंसिल, नहीं तो ग्रीन पेंसिल. मैंने व्हाट्सएप में जो भेजा है उसमें डैश नहीं डाला, आप उसमें डाल देना. आई कैन रन फास्ट, तो इसमें से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है अंडरलाइन करो, ब्यूटीफुल, गुड, रेड एंड फास्ट. फ्लावर सब क्या है? नाउन है, नेमिंग वर्ड है. रोज नेमिंग वर्ड है, राम नेमिंग वर्ड है, और पेंसिल नेमिंग वर्ड है. लेकिन रन क्या है? एक्शन वर्ड है. एक्शन को डिस्क्राइब करना या नाउन को डिस्क्राइब करना, नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है? अब नहीं समझ में आया तो फिर मैं समझा दूंगी एक बार और. आप, मैं आपके क्लास का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ. देखो, कर्णिका हैज कर्ली हेयर. अब कर्णिका क्या है? नाउन है. हेयर क्या है? नाउन है. अब कर्णिका के हेयर कैसे हैं? योगांशी आंसर दो. कर्ली. कर्ली मतलब क्या है? गुंगराले बाल. कर्णिका के गुंगराले बाल है. अब उसके बाल को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम. उसके बाल कैसे हैं? यशी, गुंगराले. अब तुम सबके कितने कैसे बाल हैं? स्ट्रेट. हाँ, बहुत मोस्टली सब बच्चों के स्ट्रेट बाल है. तो कर्णिका के कुछ अलग बाल है, उसके पूरे कर्ली हेयर है. अब समझ में आया? आया समझ में?
ऐसे हाँ यस समझ में आ गया तो वाई लिखो जैसे फर्स्ट में मैं फिर से भूल गया फर्स्ट में अभी अभी हम जिसमें चल रहे हैं ना उस उसमें चलो वाई लिखना बस ठीक है ठीक है अब आपको एक काम करना है पेज नंबर 96 खोलो बुक का प्रद्योत क्या समझ में नहीं आया कर्णिका है फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था फर्स्ट में ब्यूटीफुल वाला आपको अभी कुछ लिखना नहीं है मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर तो ब्यूटीफुल क्या है किसको डिस्क्राइब कर रहा है मैम पेज नंबर 96 पेज नंबर 96 प्रद्योत अभी लास्ट में पूछना अभी पेज नंबर 96 निकालो नहीं तो तुम पीछे सारे बच्चे इधर उधर हो जाएंगे अभी ठीक है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो वंस देयर वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर एक लड़की थी जिसका कर्ली हेयर था मतलब गर्ल नाउन है विद कर्ली हेयर उसके बाल कैसे थे योगांशी कर्ली कर्ली तो यहाँ पे कर्ली हाँ कर्ली हेयर ये दो को लाइन डालते जाओ ठीक है आपको समझ में आ जाएगा अभी इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या क्या है हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स मतलब जो गर्ल है उसका नाम कर्ली लॉक्स है और उसके घुंघराले बाल है वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस शी सॉ ए कॉटेज इज एनीबडी इन शी आस्क्ड देयर वॉज नोबडी The Bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. ठीक है? Curly Locks went in. She wanted to see who lived in. She saw three bowls of porridge. ठीक है? On the table. There was a big bowl for Papa Bear. अब ये बताओ, Papa Bear का बाउल कैसा था? प्रद्योत बड़ा बिग अब अंडरलाइन करो बिग को अंडरलाइन ठीक है द बाउल ऑफ पापा बियर वाज बिग ठीक है बिग ए मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर मैम पापा बियर को करना है पापा बियर को नहीं बिग बाउल को करना है ए मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर मम्मा बियर का बाउल कैसा था इसमें अभी बाउल मिडिल साइज ठीक है हाँ एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर का बाउल कैसा था सबसे टाइनी और लिटिल हाँ टाइनी और लिटिल उसको राउंड करो Tiny और middle. हाँ ठीक है अभी मैं लिख के बताऊंगी आपको कैसे करना है फिर सेकंड में आ जाओ उसके बाद वाले पैराग्राफ में आ जाओ कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल मालूम है बिग बाउल बाउल कैसा था बिग इट वॉज वेरी हॉट अभी बताओ जो बिग बाउल का जो पॉरिज था वो कैसा था हॉट हॉट अब हॉट को अंडरलाइन करो गोल करके रख दो सर्कल कर लो ठीक है अच्छा प्रणिल समझ में आ रहा है प्रणिल समझ में आ रहा है आपको कल हाँ. हाँ. अच्छा She ate from the middle size bowl. It was too cold. अब too cold. उसको underline goal कर लो क्योंकि ये भी describing word है.
मम्मा बियर का पॉरिज के बारे में, ठीक है? टू कोल्ड. She ate from the tiny little bowl. It was just right. Just right, ये भी describing है, ठीक है? मतलब ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा. फिर curly locks ate up. हो गया सबका बेटा? पेंसिल से हो गया? जस्ट राइट भी करना है. हाँ हाँ, जस्ट राइट भी करना है. जस्ट राइट मतलब ठीक ठीक था, ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा. कर्ली लॉक्स मैम टू कोल्ड भी लिखना था. हाँ, उसको सर्कल करना था टू कोल्ड को. हाँ, राउंड करो टू कोल्ड. अब मैं एक एक सेंटेंस बनवाऊंगी आप लोगों से, है ना? अब तब समझ में आएगा आपको. मैम मैं करनी का मुझे आपसे कुछ पूछना है. अभी नहीं पूछना बेटा, लास्ट में पूछना, ठीक है? अभी ये जो सर्कल करने का हो जान दो, उसके बाद पूछना, ठीक है? आप लोग इसमें पहुंच जाओ. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज, ठीक है? यहाँ पहुंच गए होंगे सर. कनिका, 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 हाँ, पेज 97 के लास्ट पैरा में. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज तक पहुंच गए सर? पहुंच गए? हाँ. देन शी, हाँ, देन शी वेंट टू द बेडरूम. मतलब कर्ली लॉक्स पॉरिज खाने के बाद उनके बेडरूम में पहुंच गए. देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, ठीक है? पापा बियर का तो सब बिग था. ए मिडिल साइज बेड फॉर मम्मा बियर, ठीक है? एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. The big bed was very hard. अब very hard को आप लोग underline करना है, ठीक है? Very hard, ठीक है? Underline करो या circle करो. जैसे हम very good, very bad, तो ऐसे very hard, very soft, ठीक है? ऐसे समझ में. अब द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. टू सॉफ्ट को सर्कल कर. पूर्वांश समझ में आ रहा है आपको? यस मैम. हाँ ठीक है, मैं कर्णिका को पूछूंगी अभी, है ये लास्ट में, इसके बाद. हाँ मैं पूछूंगी क्या अभी समझ में नहीं आया फिर. हाँ हाँ, रितेश क्या है? मैंने नहीं किया. तुम तो बेड में लेटे थे ना बेटा? फिर मैंने तो देख लिया था आपको. बैठ के करो, सब दिख रहा. अब तुम्हारी गलती है, सारे बच्चे तो बता दीजिए. मैम बेबी बेड कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, फर्स्ट लाइन के सेकंड लाइन में. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. अब जस्ट राइट को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एक बार जस्ट राइट को कर चुके, ठीक है? इसीलिए फिर इसमें आ जाओ. मैम फिर से बता दीजिए. मैं फिर से लास्ट में बताऊंगी. आपको मेरे साथ चलने बोला था ना? आपको लास्ट में बताऊंगी. अभी जो जो कर रहे हैं वहां से साथ में चलो. 98 पेज में हार्ड, टू सॉफ्ट और जस्ट राइट करके रख लो, ठीक है? ताकि कंफ्यूजन ना हो. फिर उसमें आ जाओ कर्ली लॉक्स. कर्ली लॉक्स देखो, अगर आपने बुक पढ़ा होगा ना दो चार बार, आपको बोलते ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Curly locks fell asleep in the tiny little bed.
टाइनी लिटिल हमने कर चुके हैं इसलिए उसको नहीं करना, ठीक है। द बियर फैमिली केम बैक, somebody ate my porridge, shouted papa bear in his gruff voice. Gruff ko karo, gruff voice. How was the voice? Gruff. ठीक है, gruff voice में भी करना है underline. Gruff voice में करो, ठीक है। Voice कैसे थी? Gruff. Bed कैसे थी? Too hard. मम्मा बियर का बेड कैसा था? टू सॉफ्ट, ऐसे, ठीक है। अब पापा बियर का वॉइस कैसा था? कैसा था? ओजस, ग्रफ, आप समझ में आए? हाँ, ग्रफ वॉइस, समबडी, हाँ, ग्रफ वॉइस, वॉइस कैसा था? ग्रफ, आया समझ में? Now come to the second. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. अब इसमें voice को भी tiny, मतलब बहुत पतली सी आवाज में, हाँ मेरा भी कोई खा गया, मेरे अपने नो सॉरी मेरे बेड में, हाँ मेरा बेड में नहीं, मेरे इसमें भी मेरा porridge भी कोई खा लिया, वो बहुत पतली सी आवाज में बोला। फिर वो लोग बेडरूम गए, द बेबी, करना है कर लो, टाइनी लिटिल वॉइस का भी टाइनी आ सकता है, ठीक है, टाइनी वॉइस के लिए भी होता है, कर लिए। द बियर फैमिली वेंट, हाँ टाइनी लिटिल में करो, टाइनी लिटिल वॉइस, नेक्स्ट में। अब इसमें कोई वैसा नहीं है वर्ड, देखो, द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, समबडी स्लेप्ट इन माय बेड, शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो वो ग्रफ उसमें है, ठीक है। समबडी स्लेप्ट इन माय बेड टू, सेड मम्मा बियर, समबडी इज स्लीपिंग इन माय बेड, said baby bear in his tiny little voice. अब next आ जाओ, curly locks woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. How did she run? How did she run? अब मैं इसमें से कौन, अच्छा शिवांश थी, समर्थ लोधी, वाले में क्या था? यस मैम, अभी यहाँ उसी में रहो, फर्स्ट वाले में बेटा मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे आप लोग? मैम मैं चल रहा था लेकिन मैं भूल गया कि फर्स्ट वाले में क्या, नहीं अभी लास्ट सेंटेंस में आओ फिर हम देखते हैं। Curly locks woke up. Samarth Lodhi, iska answer dena. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. Aapka question hai, how did she run? Curly locks kaise bhagi? Karnika? Man, jump karke. Kaise? भागी, तेज, तेज के लिए वर्ड क्या है? फास्ट। उसने कैसा भागा? रन क्या है? एक्शन वर्ड है ना? हाँ, रन, भागना। कैसे भागा उसने? जंप डाउन एंड रन फास्ट एज शी कुड। तो ये जो फास्ट है, फास्ट स्लो, अभी मैंने बताया था, एक सेंटेंस बताया था, आई कैन रन फास्ट, ठीक है ना? तो फास्ट
स्लो, तो फास्ट का ऑपोजिट स्लो, तो फास्ट और स्लो इस टाइप से ही ऑपोजिट वर्ड्स ही आएंगे एक्शन वर्ड्स में, ठीक है। अच्छा अब कर्णिका आप पूछो, आपका क्या डाउट था जल्दी पूछो। कर्णिका आप क्या पूछ रहे थे? बर्ड है ना, उसे आप हिंदी में समझा दीजिए उसका मतलब क्या होता है। किसका किसका? डिस्क्राइबिंग बर्ड। डिस्क्राइबिंग बर्ड मतलब विशेषण, विशेषण विशेषता बताता है कैसा है क्या है, ठीक है। कैसे मैम? विशेषता मतलब विशेषता, जैसे अभी कर्णिका अच्छी लड़की है या कर्णिका नॉटी लड़की है। हाँ कर्णिका मैम किसी चीज की विशेषता बताना। हाँ किसी चीज का विशेष, वो नेमिंग वर्ड का भी हो सकता, नेमिंग वर्ड का प्लेस का, जैसे हम बोलेंगे ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग। हाँ मैम जैसे चेरी जो ब्यूटीफुल आपका क्लब है मैम। हाँ कुर्बान शीशा नॉटी बॉय। अभी क्लास के बच्चों का नाम नहीं लेना, वो फिर तुमसे नाराज हो जाएगा। मैम प्रद्योत इज अ नॉटी बॉय। नो 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 कमेंट्स, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। किसी और का नाम ले लो, नहीं तो अभी तुमसे नॉटी गर्ल। हाँ ऐसा कुछ दूसरे का नाम ले लो जो आपके क्लास में नहीं है। ओके तो अभी समझ नॉटी गर्ल, अब शांत हो जाओ। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया सबको, कोई चीज का विशेषता बताओ, है ना, ठीक है। कोई भी चीज का विशेषता बताता है, अब विशेषता कैसे भी हो सकता है, अच्छा बुरा खराब, जैसे अभी हम बोलेंगे हॉट कोल्ड, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, नहीं तो बॉम्बे इज ए बिग सिटी। अब बॉम्बे कैसा सिटी है, दिल्ली इज ए बिग सिटी, कोलकाता इज, हाँ तो बिग कैसा सिटी है, बिग। अब जैसे हाँ कोई कोई छोटा सिटी बता, जैसे भोपाल, भोपाल इज ए नॉट जो टू स्मॉल और नॉट टू बिग, भोपाल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, ठीक है। पचमढ़ी इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो इस टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं पचमढ़ी को, पचमढ़ी कैसा है, ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत सुंदर सा जगह। अब जैसे आई हैव ए बिग रूम, आपके पास कैसा रूम है, बिग है, बिग बड़ा, हाँ बड़ा। आई हैव ए स्मॉल ब्रदर, तो आपका ब्रदर कैसा है, छोटा है, आया समझ में आप। माय स्कूल इज वेरी बिग, आप क्या बोलेंगे, मेरा स्कूल, हाँ मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, तो फिर मेरे स्कूल के सामने एक ब्यूटीफुल स्मॉल गार्डन है, गार्डन है, ठीक है। ऐसे बैठ कर रहे बहुत टाइम हो गया, क्या शांति बैठ कर रहे बहुत टाइम हो गया, किसको, मुझे टाइम ज्यादा हो गया अभी टाइम तो। अच्छा अब समझ में आ गया इसमें, यस मैम समझ में आ गया, आ गया ना। यस 10 मिनट है, चलो किसी को पूछना है अभी, नो मैम। तो मैंने आपको एक मुझे पूछना है, नो मैम पूछो। प्रियांशी मैम आपने आपने बोला था ना कि नाउन से भी डिस्क्राइब
लिविंग वर्ड्स बन सकते हैं? नाउन भी बोला था ना, नाउन के भी डिस्क्राइबिंग वर्ड बन सकते हैं पढ़ने का, रीडिंग करने का? नहीं, आपने कहा था नाउन, नाउन से बन सकते हैं, जैसे ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल सिटी प्लेस। हाँ हाँ, नहीं मैंने अभी आप लोगों को एक व्हाट्सएप में देख लेना, मैच दीज वर्ड्स करके दिया है, वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे देख लेना व्हाट्सएप खोल के। अभी खोल सकते हो क्या व्हाट्सएप आप लोग? नो मैम, नहीं खोल सकते, लेकिन आप सुन लो मैम, मैंने तो पहले खोल के देख लिया था, खोल लिया था, उसको कॉपी में करना है, ठीक है? जैसे मैच दीज वर्ड्स, ए और बी ऐसे किया हुआ है, दो पोर्शन है, एक साइड में 1 to 8 वर्ड्स दिया है, hot, funny, red, blue, huge, green, round, small. hot मतलब गरम, funny मतलब देखने से हंसी आता है, मजाक के। फिर red, red means लाल कलर, blue, नीला, huge बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, green हरा, round मतलब गोल, small मतलब छोटा। next b side में हमने लिखा है moon. मून मतलब चांद, स्काई आकाश या आसमान, क्लाउन, क्लाउन मतलब जोकर, ग्लास ग्लास, एंट चीटी। सुनो बेटा, फिर बाद में नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं समझ। टी मतलब चाय, एलिफेंट मतलब हाथी, रोज मतलब रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, ठीक है? आप इसमें से मैच करना, फर्स्ट वर्ड हॉट के साथ टी मैच हुआ है, हॉट टी, ठीक है? अब फनी के साथ क्या होगा, आप इन सबको मैच करो, ना ना ना, वो राइमिंग वर्ड हो गया, यहाँ से मैच करो कौन सा वर्ड इसके साथ एप्रोप्रिएट है। पेज नंबर, पेज नंबर नहीं है, मैंने आपको व्हाट्सएप में डाला है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड को। फनी का क्या होगा? हॉट के साथ टी, एक किया है वो, बाकी आप करो, क्योंकि अभी अभी मैं बताऊंगी तो तुम लोग सोचोगे नहीं, मीनिंग बता दिया आप सोचो इधर से। हाँ, अभी किसको पूछना था? कियांशी, मेरे को आपने मेरे जो बोल रहे हो ना, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अनन्या, आपका रीडिंग बचा था? हाँ, आप रीडिंग कर लो। सिर्फ अनन्या भी, क्योंकि उनको मिस हो गया, ठीक है? और भी है, बेटा बेटा सुनो, के अनन्या भी रीड करो, शिवांश भी था कल, शिवांश एब्सेंट था ना, शिवांश with one green board. No. Ananya, आप क्या पढ़ रहे हो? Curly locks पढ़ना था आपको। Curly locks पढ़ना था। Once there was a girl. मैम छुट्टी कब होगी? Yes. Anybody in the sea
देयर वाज नोबडी द डियर फैमिली लव्ड इन द क्वार्टर देयर ही हैड गोस्ट फॉर ए वन कर्ली हेयर कर्ली लुक वांट इन ही वांट ओके अनन्या अभी नेक्स्ट शिवांश राठी आप रीड कीजिए यस मैम उसके बाद पढ़ना है कर्ली लॉक 17 से पढ़ो शिवांश अभी दो चार बच्चे और पढ़ने का था वो कल मैं देखती हूँ शिवांश पेज 19 कर्ली लॉक 17 से पढ़ो आपको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो रोज यस मैम कि कोई कोई छूट रहा है कोई जा रहा है क्या है ये ठीक है अभी रीड करो ना आप कर्ली लॉक स्वेंट वाले वहां से रीड करो शिवांश शिवांश yes. बोलो ना आप क्यों नहीं बोल रहे हो कम से कम यस नो तो बोलो कर्ली लॉक स्वेंट इन वहां से पढ़ो आप है ना अच्छा यहाँ से और दो तीन बच्चे थे क्या बोलते गतिक दक्ष आश्रय आज ज्वाइन किए के देखते आश्रय नो आश्रय आते हैं वो निकल जाता है पता नहीं आश्रय गतिक तुम आज क्या बेटा आप ऐसे कैसे पढ़ रहे हो और इसमें से कल कौन रह गया था शिवांश 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 यस आपको बाद में चांस मिलेगा ठीक है ना अभी इसमें से राम शर्मा पढ़ सकते हो राम शर्मा धूमी हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो बेटा बेटा वंस 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 नहीं नो 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 कर ली लॉक स्वेंट कर ली लॉक स्वेंट वहां से पढ़ वहां से पढ़ मैम आपकी आवाज कट गई मैम से बोलो कहां पे मैम कहां पे कर्ली लॉक कर्ली वन डे सी वांट इनटू द फॉरेस्ट नियर मैं काम कर रहा हूँ ये सारे बच्चे वो
वो अभी पांच पांच आफ्टर द क्लास गतिक रुकना शिवांश गतिक शिवांश प्रणिल आपका रीडिंग हो गया था कल यस मैम रीडिंग हो गया था कल किया था ना मैम उसे करवा लिया था हाँ प्रणिल का हो गया था चलो ठीक है अच्छा ये अब लास्ट करती हूँ इसको एडजेक्टिव सबको समझ में आ गए क्या पहले बताओ बेटा यस मैम हाँ अब इसमें से कौन बताएगा क्या अच्छी व्हाट इज एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड मैम डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं वेरी गुड अब किसको समझ में आया प्रद्योत समझ में आ गया व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड प्रद्योत हाँ किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर देना अच्छा डिस्क्राइबिंग वर्ड एक आध बताओ आप टेल मी व्हाट इज डिस्क्राइबिंग एक सेंटेंस बता दो वेरी गुड एक सेंटेंस बता दो कोई भी बहुत सारे एग्जांपल बताए थे मैंने एक अपना मन से बताओ राम इज अ गुड बॉय अच्छा राम इज अ गुड बॉय ओके अब इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है राम नेमिंग वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है इसमें गुड आप समझ में आ गया नाउन को डिस्क्राइब करते हैं जो विशेषता बताता है इसमें नाउन क्या है राम इज ए बॉय एंड ही इज ए गुड बॉय आप समझ में आया आया सबको मैम एक मैं बताऊं हाँ योगांशी बताओ कुछ अलग बताना यस रोज इज अ ब्यूटीफुल रोज इज अ ब्यूटीफुल व्हाट क्या है रोज रोज नेमिंग वर्ड है नहीं रोज क्या है रोज एक फूल है हाँ ऐसे बोला रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर वेरी गुड अच्छा वेरी गुड थोड़ा समझ में आ गया शिवांश शिवांश राठी यस मैम हाँ आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ में आया आया समझ में एक एग्जांपल बताओ यस मैम बताओ जल्दी किसी भी चीज को डिस्क्राइबर कर देते हैं तो वो डिस्क्राइबिंग हो जाती है डिस्क्राइबिंग करते हैं एक एग्जांपल बताओ ये इसमें से कौन है अभी कोई भी चीज का विशेषता बताता है वो कलर भी हो सकता है आई हैव टू रेड पेंसिल है ना जो मेरे पास दो पेंसिल है वो रेड पेंसिल कलर भी हो सकता है आई हैव अच्छा इसमें टॉल शॉर्ट भी डिस्क्राइबिंग है ना अब नीम ट्री इज अ बिग ट्री नीम ट्री इज अ बिग ट्री नीम ट्री कैसा है बिग अब यूकेलिप्टस इज अ टॉल ट्री ठीक है टॉल और वो क्या है यूकेलिप्टस ट्री बहुत टॉल होता है ठीक है टॉल है बिग मैम मैम अब ये बताओ रोज स्मॉल प्लांट है रोज कैसा है प्लांट प्रणील रोज स्मॉल है
रोज समझ में नहीं आ रहा, रोज मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। नीम ट्री बिग है, यूकेलिप्टस ट्री बिग एंड टॉल है, ठीक है। अब ये बताओ रोज कैसा है? रोज स्मॉल प्लांट, रोज इज अ स्मॉल प्लांट, स्मॉल ट्री, स्मॉल प्लांट, ठीक है। रोज इज अ स्मॉल प्लांट, अच्छा मैंने सनफ्लावर स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट एंड वेरी ब्यूटीफुल। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया? यस मैम। तो आपको जो मैंने वर्कशीट दिया है छोटा सा मैचिंग करने का, वो कॉपी में करना, कल फिर एक और मैं भेजूंगी, उसको आप लोग सर्कल कर, आई एम, ठीक है। We will have Shanti Pat Pita. Close your eyes, let your Omkar Sita. Teacher, okay. Om Shanti Shanti. Shanti. Bye, Rana. Bye, man. Bye, man.